अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, अज़ान अल्लाह का एक ऐसा कलाम है जिसको ना किसी ने लिखा है और ना बनाया है, बल्कि ये अल्लाह करीम की तरफ से भेजा गया अजीम तोहफा है, ताकि इस पाक कलाम के जरिए मुसलमानों को पांच वक्त मस्जिद में बुलाया जाए। इस वजह से हर मस्जिद में पांच वक्त अजान दी जाती है और ये अजान वक्त के लिहाज से हर वक्त 24 घंटे पूरी कायनात में गूंजती रहती है। लेकिन आज भारत में हिंदुओं की वजह से अजान को रोकने के लिए अजान पर इतराज़ लगाया जा रहा है और अजान का मजाक उड़ाया जा रहा है। ना सिर्फ अजान बल्कि मुसलमानों से जुड़ी हर मजहबी एक्टिविटी पर, चाहे वो हजाब हो, मस्जिद हो, टोपी हो, अलगर्द, मुसलमानों से जुड़ी हर चीज पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। नाजरीन, शायद ये लोग इस बात को भूल गए हैं, जब अल्लाह तबारक व ताला का अजाब नाजिल होता है तो फिर अल्लाह ताला इंसानों को संभलने का मौका भी नहीं देता और हर तरफ तबाही मच जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने वाले हैं जिसने अजान का मजाक उड़ाया और अजान से नफरत करता और अजान देने वाले मोजन को गालियां देता और मोजन को थप्पड़ मारना शुरू कर देता। लेकिन इसके बाद उस आदमी के साथ जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तफसील इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक हिंदू पुलिस अफिसर का घर बिल्कुल मस्जिद के करीब था। मोजन जब सुबह फजर की अजान देता तो वो हिंदू पुलिस अफिसर इस बात को नापसंद करता और नींद डिस्टर्ब होने का बहाना बनाकर मोजन को रोकने की कोशिश करता। लेकिन मस्जिद में पांच वक्त उसके रोकने के बावजूद भी अजान जारी रही। एक दिन वो हिंदू पुलिस अफिसर बड़े गुस्से से मोजन के पास गया और रोकने लगा, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान ना दिया करो, फिर तुमने क्यों दी? जिस पर वो मोजन पर थप्पड़ों की बारिश करने लगा और मस्जिद के लाउड स्पीकर को तोड़ फोड़ कर रख दिया। मोजन परेशान होकर मस्जिद में सज्दे पर गिर गया, अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि ऐ अल्लाह, इस हिंदू पुलिस अफिसर ने तेरे घर में अजान देने से रोका है, उस पर अजाब नाजिल फरमा। मस्जिद में अजान बंद हो जाती है। कुछ दिन बाद उस हिंदू पुलिस अफिसर पर फालिज का अटैक होता है और उसका आधा जिस्म काम करना बंद कर देता है। बीमारी की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है, घर में फाके शुरू हो जाते हैं और उस आदमी के अपनी बीवी से झगड़े शुरू हो जाते हैं और आखिरकार बीवी उसको ऐसी हालत में छोड़कर मेके चली जाती है। कुछ दिन और गुजरते हैं और उस पर एक फालिज का दूसरा अटैक होता है जिससे उसका पूरा जिस्म काम करना बंद कर देता है। अब वो बिस्तर पर बेबस पड़ा होता है। उसका भाई उसे साथ अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बाद उसके भाई की बीवी तंग आ जाती है और उसे निकलने का कहती है और एक दिन ऐसा आता है कि भाई उसे सड़क के किनारे छोड़कर रवाना हो जाता है। अचानक ही उस मोजन का गुजर उस सड़क से होता है जहां वो हिंदू पुलिस अफिसर बेबस बेआसरा पड़ा होता है। उसकी ये हालत देखकर मोजन को तरस आ जाता है और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। रोजाना वो मोजन उसके कान में कुरान की आयात पढ़ता है, अजान देता है, जिस पर वो हिंदू पुलिस अफिसर बहुत शर्मिंदा होता है। उसकी आंखों से शर्मिंदगी की वजह से आंसू बहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक होते ही वो हिंदू पुलिस अफिसर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।